गाइज वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल एंड आई मीका मिसिका की मम्मी। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टीनेजर मेकअप लुक जो कि रहेगा वैलेंटाइन डे के दिन के लिए। और अगर आप इसमें से हाइलाइटर और ब्लशर को स्किप कर सकते हैं तो भी टीनेजर इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकती हैं। और इसको आपको कैसे क्रिएट करना है वो तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आज की प्रोडक्ट में मैंने आज के मेकअप में मैंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज किए हैं पर्पल के, क्योंकि पर्पल पे चल रहा है अप टू 50% ऑफ अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं या जो नहीं यूज़ किए हैं जो रिकमेंड किए हैं वो प्रोडक्ट आपको अप टू 50% ऑफ मिलने वाले हैं। सो उस चीज़ का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है जब भी सेल चलती है purple.com पे तो मैं कोई ना कोई वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्विक अपडेट मिल जाए कि हाँ भाई इस चीज़ पे ऑफर चल रहा है। आई जस्ट होप कि ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टोनर जो कि है गुड वाइब्स का आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर। एंड इसको बस आपको अपने फेस पे ऐसे स्प्रे करना है और टोनर आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट मॉइस्चराइज एंड आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ईजिली वो अपने आप से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट हल्के हाथों से अगर आप कराएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया है, आप देख सकते हैं, और हल्का सा मैं इसको एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाने दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गाइस जो रहेगा सीरम जो कि है purple.com का। एंड ये है स्किन रिजुनेटिंग सीरम एंड ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं यूज़ करने लग गई हूँ इसको, और क्योंकि आप लोगों ने देखा था इसका 24 कैरेट वाला मैं यूज़ कर रही थी। एंड गाइस purple.com पे अभी पर्पल के प्रोडक्ट पे अप टू 50% चल रहा है, सो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं प्रोडक्ट। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि जब purple.com पे कुछ अच्छी सी सेल चलती है तब मैं मेकअप वीडियो ज़रूर करती हूँ। इसलिए भी करती हूँ क्योंकि जो भी मेरे मेकअप लवर हैं, जो मेरे जैसे मेकअप लवर हैं, वो इस सील का फ़ायदा उठाएं। ये सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड आपकी स्किन के लिए, आपके मेकअप के बेस के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सो आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी सारी ही रेंज अच्छी है, चार सीरम इसमें लॉन्च हुए हैं और चारों ही सीरम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ प्लम की ये वाली क्रीम। एंड ये क्रीम मैं अभी इसको हल्का हल्का यूज़ कर रही हूँ लाइका मेकअप वगैरह में, क्योंकि इसे क्या है ना, इसका मुझे रिव्यू देना है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। यार मुझे स्किन में लगाना है ना कि बालों में। सो इस क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं करती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑयल मतलब सीरम लगा ही लिया है एंड वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, तो उस पर अगर आप इसको लगाते हो तो परफेक्ट लगता है। यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं बात करती हूँ प्राइमर की। सो वैसे तो मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए SQ का प्राइमर लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर पर्पल का लगाती थी क्योंकि पर्पल का जो प्राइमर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट गाइज वो मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं इसका लगा रही हूँ, और पर्पल पे अभी सेल चल रही है जैसा कि मैंने बताया, अप टू 50% ऑफ चल रहा है अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जा रहे हैं तो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पेट्रा आई शैडो पैलेट, और इसमें से मैं ये वाला पिक करूंगी कलर, क्योंकि ये कलर जो है ना मेरी आईब्रो के लिए परफेक्ट जाता है। सो इसको मैं अच्छे से फ्लप करूंगी। अपनी आईब्रो को थोड़ा ज़्यादा दिखाने के चक्कर में यहाँ वहाँ प्रोडक्ट को ना ले जाएं, बस उधरी जगह पे घूमें जहाँ पे आपकी आईब्रो हैं, एक्चुअल आईब्रो हैं। एंड मेरी आईब्रो इस टाइम पे बनी हुई नहीं है तो मेरी थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है। गाइस मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लिया है एंड इसके बाद हम आते हैं आई मेकअप पे। सो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो टीनेजर हैं या जो क्योंकि ये वैलेंटाइन डे मेकअप है, सो इसमें आप आई मेकअप बिल्कुल लाइट रखना है आपको। मेकअप अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं लाइट इसलिए भी बता रही हूँ कि किसी किसी को आई मेकअप करना पसंद है, तो आई मेकअप क्योंकि हम लाइट रखने वाले हैं तो आप अपना अच्छे से बेस बना लीजिए एंड उसके बाद आप आई मेकअप कीजिए। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की ये CC क्रीम, और फाउंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फाउंडेशन एक अपनी लेयर दिखाता है, लेकिन ये जो CC क्रीम है ये बेस्ट होती है।
सो बस मैं इतनी सी यहाँ पे लेने वाली हूँ और इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने वाली हूँ अपने आई के अराउंड और थोड़ा थोड़ा सा फेस पे, एंड इतनी ही क्रीम से मैं अपने बेस को सेट करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा ही ब्लेंड करना है, मतलब अच्छी खासी कवरेज आप देख सकते हैं दिख रही है, एंड ये मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइटर है बट ये कुछ देर बाद अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड इसी को मैं खींचते हुए थोड़ा नीचे ले जाऊंगी क्योंकि प्रोडक्ट मुझे लगता है मैंने ज़्यादा लगा लिया। सो यहाँ पे मेरा वेस होता है कंप्लीट, एंड अब लगाऊंगी मैं पर्पल का ये कॉम्पैक्ट और मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाने वाली हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाने वाली हूँ, लाइट बिल्कुल लाइट। ये देखिए जस्ट मैं वहाँ पे लगाऊंगी ताकि मेरी आईज के आसपास लगाऊंगी ताकि आईज के पास जो हमने क्रीम लगाई वो क्रीज ना हो, क्योंकि ये होगी भी नहीं, बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है सॉरी। बिल्कुल लाइट ही लाइट ही आपको कॉम्पैक्ट लगाना है थोड़ा सा। सो ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें SPF भी है, सो इसमें एक बहुत अच्छा मिरर भी मिलता है। सो उसके बाद गाइज आपको अब आती है हम आई मेकअप पे। आप जैसा कि मैंने आपको बोला है आई मेकअप आपको डार्क नहीं रखना है, तो ये मतलब नहीं है कि आप आई मेकअप बिल्कुल मत कीजिए, आपका अगर मन है आप करिए, क्योंकि आई मेकअप लाइट करेंगे ना वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेड लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा लाइट है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और बस आपको कुछ नहीं करना है, अपनी क्रीज पे थोड़ा सा इसको ऐसे ब्लेंड आउट कर लेना है और ब्लेंड करते रहिए आप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट लेना है, और आप दोबारा प्रोडक्ट ना ही लीजिए तो ज़्यादा सही है, और उसी को ब्लेंड करते रहिए जो आपने कलर लिया हुआ है, बिल्कुल उसी को आपको इस तरीके से ब्लेंड करते रहना है। सो ये देख सकते हैं ये ब्लेंड हो चुका है, एंड आप इसको बिल्कुल लाइट हाथों से ब्लेंड करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे अपनी वाटर लाइन पे हल्का हल्का कर सकते हैं स्मोकी टाइप काइंड ऑफ करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने दोनों आईज को एक जैसा कर लिया है, एंड ये हल्का सा थोड़ा सा क्या होगा इसके ऊपर अगर आप लाइनर काजल कुछ भी लगाते हो तो आपकी आईज बहुत अच्छी दिखती हैं। सो फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या लगाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईज स्मोकी भी लगे लेकिन आपको लाइनर नहीं लगाना है क्योंकि आपको ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए, तो आप बस कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा सा एक लाइक ब्लैक कलर में मत जाइए, आप इस टाइप का कुछ कलर लीजिए और बस आप अपने पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको स्मोक आउट कीजिए कहाँ पे अपनी जहाँ पे आईलाइनर लाइन होती है ना ये वाली, पहले आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और फिर आप इसको तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आईज को सेम कर लिया है। अब आप चाहें तो काजल अप्लाई कर सकते हैं। अब काजल के लिए आप सोचेंगे कि काजल कौन सा अच्छा रहेगा, ये जो लाइनर है ये है तो वैसे लाइनर पर्पल का, लेकिन ये एज अ काजल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्यों पसंद आया? क्योंकि ये निकलता ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड पिगमेंटेड तो बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं पैकेजिंग कितनी प्यारी है। सो मैंने ब्लैक सेड लिया है। काजल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको लगाना है या नहीं लगाना है, बट मुझे लगता है कि अगर आपने लाइनर नहीं लगाया तो आप काजल लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। काजल एक नेचुरलिटी में आ जाता है क्योंकि काजल तो आप लोगों को पता है टीनेजर्स तो सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं काजल। सो यहाँ पे मैंने अपने काजल को लगा लिया है ऊपर नीचे से, एंड आप इसको इस ब्लेंडर की हेल्प से हल्का सा ब्लेंड भी स्मज भी कर सकते हैं।
सो देखिए कितना प्यारा, मतलब एक काजल का जो लुक है वो आया हुआ है। एंड मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अगर आप टीनेज हैं और आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी छोटी हैं, तो आप इस तरीके से काजल लगाएंगे, बिलीव में आपकी आईज काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेंगी एंड बहुत ही खूबसूरत तो लगेंगी। यहाँ पे मेरे इस साइज का काजल कंप्लीट होता है। मैं लगाती हूँ इस साइज पे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस साइज में एंड इस साइज में। तो यही तो है, जो लाइनर है वो होता है डन। अब हम लगाते हैं मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं बोलूँगी मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है पर्पल का मस्कारा, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट इस टाइम पे मेरे पास नहीं है। और जो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, मैं ऑप्शन इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि पर्पल पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, अप टू 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर इस टाइम पे आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा लगाऊंगी और सेम इफेक्ट उसका है, मतलब सेम ही काम उसका है, और इससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। सो मस्कारा मैं लगाऊंगी। सो मस्कारा भी मेरा होता है डन, और आप देख सकते हैं मस्कारा भी लग गया है। एंड आपको ऊपर की आईज में थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा होगा कि ये कैसा सा, मतलब कि किस टाइप का दिन है आई मेकअप किया है, क्योंकि वो हल्का सा ऐसा लग रहा है ना, स्मोकी, ये जो आपने ऊपर लगाया हुआ है ना, ये दिख नहीं रहा है, बट वो एक कैसे बोलूँ, जैसा मैं चाह रही थी वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। सो यहाँ पे अब हमने क्या क्या लगा लिया, सारी चीज़ें लगा ली। अब बात करते हैं हम लिपस्टिक की। लिपस्टिक वैसे तो आपको मैं बोलूँ कि वैलेंटाइन डे पे हर कोई रेड लिपस्टिक के बिना नहीं रहता है, बट कुछ टीनेजर्स होती हैं जो सोचती हैं कि मैं लाइट लिपस्टिक लगाऊं। तो मैं यहाँ पे ये पर्पल की मिनी लिपस्टिक मैं से उठा के लाई हूँ, एंड ये काइंड ऑफ पिंक में है। एंड ये इसका जो सेड नंबर है वो नीचे मेरे लिंक पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसका सेड नंबर विथ नेम। सो बस मैं इसको हल्का हल्का लगाऊंगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, पूरा प्रोडक्ट को इस तरीके से रिमूव करूंगी एंड सी। ये पिंक है, ये लिपस्टिक जो है वो बहुत डिफरेंट कलर की है जो मेरे लिप्स पे दिख रही है। ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड आप लोग बोल रहे होंगे न्यूड में बिल्कुल नहीं जा रही है, बट ये डार्क में भी नहीं जा रही है, तो ये बेस्ट है कि ना न्यूड है ना डार्क है, अच्छी है। सो अब तो मेरा मेकअप होता है कंप्लीट, और ये टीनेजर मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सही है। अब मैं डालती हूँ इसके साथ इयर रिंग, एंड इसके साथ मैं अब अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइज ये वाली मैंने इसके साथ इयर रिंग डाले हुए हैं और कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल बनाया है। हेयर स्टाइल आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कर्ल भी कर सकते हैं अपने हेयर को, जिस तरीके से आपको करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हेयर उस टाइम पे मे बी मिस्टेक करें तो आप चाहें तो जूड़ा भी बना सकते हैं। बट आप लोग सोच रहे होंगे दी आपने कोई ब्लशर कोई हाईलाइटर नहीं लगाया जब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप ब्लशर हाईलाइटर नहीं लगाते हो, तो मैं भी भूल गई थी एक्चुअली। मैं ना ये न्यूट्रल न्यूट्रल एंड नेचुरल नेचुरल लुक के चक्कर में भूल ही गई कि मुझे ये काजल थोड़ा सा ओवर लग रहा है, बट ये नेचुरल है, क्योंकि टीनेजर हो चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल हो चाहे स्कूल गोइंग गर्ल हो, वो ये लिक्विड लिपस्टिक है वैसे तो पर्पल की, वही सेम लिपस्टिक जो मैंने लिप्स पे लगाई है, बट आप इसे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लशर लगा लिया है, हाइलाइटर। हाइलाइटर्स की पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लेके इसको हाइलाइटर को लगाऊंगी। एंड ये ब्लीम में गाइस बहुत अच्छा हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल लुक देता है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सी कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ डिफरेंट तरीके का कुछ लगाया हुआ है, जस्ट अ नेचुरल। सो गाइज ये लगा लिया मैंने हाइलाइटर, क्योंकि ऑब्वियसली हाइलाइटर के बिना जो मेकअप होता है वो काफी ज्यादा अजीब दिखता है। तो बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।